नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो आज हम यूपी टपल से संबंधित विभिन्न एग्जाम जो हैं, जैसे मंडी सचिव के बारे में और बीडीओ के रिजल्ट के बारे में, या पैट 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में, या एक वैकेंसी है उसमें कितने फॉर्म भरे गए हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा वीडियो को शेयर करें, ज्यादा लाइक करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़िए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अगर कोई मित्र यहाँ पर बीपीओ की तैयारी या जूनियर असिस्टेंट की तैयारी करते हैं तो हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जो कि जिसका मतलब कि आपको पूरा डिटेल हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। अगर आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं होना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि आपको बीपीओ या जूनियर असिस्टेंट के वजह से जुड़ना है, ग्रुप से जुड़ना है, तो आपको वहाँ पर बता दिया जाएगा कि कैसे आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आप वहाँ पर जाकर टेलीग्राम पर सारा डिटेल पड़ा हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल फीस है और बहुत ही अच्छा कंटेंट है उसमें। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले, सबसे पहले हम बात करेंगे पैट 2024 के नोटिफिकेशन और एग्जाम के बारे में। देखिए, आप सभी मित्रों को, वैसे बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जिनका पैट 2023 का पेपर बहुत अच्छा नहीं हुआ है। ठीक है, तो पेपर नहीं अच्छा हुआ तो उनका मतलब कि उनको ये है कि 2024 का पेपर आया तो हम अच्छे से उसमें नंबर ले आ जाए, कि जिससे आगे की वैकेंसीज के लिए, उनको पता ही है कि यूपी डब्ल्यूएससी का पेपर अगर कोई मुख्य परीक्षा देना है तो पैट में अच्छा नंबर ला रही होगा। ठीक है, तो इसलिए वो पैट की तैयारी करना चाह रहे हैं। तो ठीक, तो हम बता देना आपको, नोटिफिकेशन आपका जुलाई लास्ट में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, और इसका अक्टूबर लास्ट में आपका इसका पेपर मान के चलिए। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से टॉपिक वाइज सारे टॉपिक्स उसके एक्सप्लेन है, आप ज़्यादा टॉपिक्स में से DI पे फोकस करिए। DI अच्छा लेवल का आता है, DI को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और DI के साथ साथ ध्यान से अच्छे से कर लीजिए, और आप DI को अच्छे लेवल से करिए, क्योंकि पिछली बार बहुत कठिन DI आया था जिसमें मतलब पूरा आदमी हिल गया था पिछला बार जो DI आया था पैट का। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से DI करेंगे, DI को बहुत ही अच्छे लेवल का प्रैक्टिस करेंगे, और अगर बैंकिंग लेवल का प्रैक्टिस कर सकते हैं बैंकिंग लेवल करिए। ठीक है, आपको पेपर अक्टूबर लास्ट में होगा और इसका फॉर्म भरने का नोटिफिकेशन आपको जुलाई लास्ट में मिल जाएगा। तो ये बात हो गई पैट की। अब हम बात करने वाले हैं ये कौन सी भर्ती है जिसमें इस भर्ती में कितने हुए आवेदन। तो हम किस भर्ती की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं UP SSC की भर्ती आई थी, एक स्टेनो या आशुलिपिक की भर्ती आई थी, तो उसमें कितना आवेदन हुआ है हम आपको दिखा दे रहे हैं उसको। तो यहाँ पे देख लीजिए, स्टेनो का जो भर्ती आई हुई थी UP SSC के तहत, उसमें कितने लोगों ने आवेदन किया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे आवेदन के तहत इन्होंने बताया है, RTI के तहत बताया हुआ है कितने लोगों ने आवेदन किया है। 25,819 लोगों ने मात्र आवेदन किया हुआ है स्टेनो की वैकेंसी के लिए, और स्टेनो का लगभग 550 के करीब पोस्ट था, तो 25,000 लोगों ने ही खाली इसमें आवेदन किया हुआ। जो भी मित्र इसको भरे हुए हैं इस फॉर्म को, आप अच्छे से तैयारी करिए, इसमें बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अब देखिए, पैट का यही फायदा तो है कि कम से कम लोग जो एलिजिबल है वही भर पा रहे हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से, कोई भी मित्र हो जो स्टेनो की तैयारी कर रहे हो, आप अच्छे से तैयारी करिए, इसका पेपर होगा जल्द से जल्द होगा। ठीक है, तो बहुत कम ही कंपटीशन इसमें है, आप जल्द से जल्द इसको बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं और आप एक सरकारी नौकरी ले सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सूचना के बारे में। अब हम आपको बता दिए कि स्टेनो कितने आवेदन हुए इसके बारे में बता दिए। ठीक है, अब हम बात करने वाला है कि बीडीओ का फाइनल रिजल्ट कब आने वाला है और बंदरोगा का फाइनल कट ऑफ कितना रह सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बंदरोगा का फाइनल कट ऑफ कितना रह सकता है। अगर आपका 75 जनरल का, देखिए जनरल का 75 प्लस माइनस पॉइंट फाइव जीरो अगर है, 75 प्लस माइनस पॉइंट फाइव जीरो अगर आपका है, तो आप जनरल में सेलेक्ट हैं। ठीक है, आप मान के चलिए आप बंदरोगा बनने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि 704 पोस्ट है, 702 पोस्ट है, आप आराम से बंदरोगा के पोस्ट में सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको 75 प्लस माइनस, अब इसी हिसाब से आप OBC SC ST का एक एक डेट नंबर घटा लीजिए। देखिए, EWS OBC वाले डेट नंबर घटा लीजिए, बाकी का SC वाले ढाई से तीन नंबर घटा सकते हैं। ठीक है, ST वाले और ज़्यादा 4-5 नंबर घटा सकते हैं। ठीक है, महिला वहिला ऐसे घटा सकते हैं। ठीक है, हम जनरल का बता रहे हैं, ओवरऑल 75 प्लस माइनस 0.5 अगर आपका है तो आप जनरल मतलब कि आपका सिलेक्शन बंदरोगा में हो जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं कि फाइनल रिजल्ट वीडियो का कमाने वाला। देखिए, फाइनल रिजल्ट आपका, देखिए जून का महीना, जुलाई का महीना आपका ASO का, JEE का और मंडी का रिजल्ट आने में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका फॉरेस्ट इसका आपका मंडी परिषद का रिजल्ट आने में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद मुख्य सेविका का रिजल्ट आना है, इन सब रिजल्ट्स में जून और जुलाई का महीना चला जाएगा। ठीक है, तो आपका रिजल्ट जो होगा वो अगस्त माह में आएगा, अगस्त माह में इसकी प्रबल संभावना है। वैसे जुलाई लास्ट से लेके अगस्त तक की, अभी तक के सूचनाओं के हिसाब से आपको अगस्त माह मान के चलना है BDO 2018 का, जो कि फाइनल रिजल्ट जारी होना। ठीक है, तो अगस्त में आपका प्रबल संभावना है कि इसकी फाइनल रिजल्ट जारी कर दी जाएगी। ठीक है,
तो आप लोग टेंशन ना लें, जो भी वीडियो का डीवी करा चुके हैं आप लोग का डीवी तो हो ही चुका है। हाँ, आप लोग ये कर सकते हैं कि कुछ लोग थोड़े थोड़े दिन पे जाके सचिव जी से, अगर लखनऊ में चार चार पांच पांच के ग्रुप में आप जाके मिलते रहिए, जिससे सचिव जी पे दबाव रहे रिजल्ट जारी करने के लिए, ठीक है। तो आप लोग जैसे बताया UPWSC का झगड़ा जानते ही आप, कि जो जितना ही जाके मिलता है प्रेशर बनाता है, उन्हीं लोगों का बात तो जल्दी सुनते हैं, तो आप लोग प्रेशर बनाइए तो आप लोग का रिजल्ट जल्दी जल्दी निकल जाएगा। वैसे अगस्त की संभावना इसकी है, अगर कोई और न्यूज आता है तो आपको तत्काल प्रभाव से बता जाएगा। अब सभी बहुत सारे मित्रों ने पूछा था कि मंडी परिषद का पेट कट ऑफ कितना रह सकता है और यह परीक्षा कब हो सकती है। आपको पता है कि मंडी परिषद में 134 पद आए हुए थे जो कि लोअर पीसेस के हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि लोअर पीसेस के पद के तहत लगभग 30 गुना देखा जाए तो 30 गुना इनका नियम है, ये 30 गुना लेते हैं, उसे लेने का तो ये 42 गुना भी ले लेते हैं, बीपीओ में 42 गुना ले लिया, तो हम मान ले रहे हैं कि 30 ही गुना लेंगे। तो देख लीजिए कितना लोग हो जाएंगे, लगभग लगभग 4020 लोग हो जाएंगे, ठीक है। 4020 लोग हो जाएंगे अगर 30 गुना भी मान लिया जाए, 30 गुना क्या मान लीजिए, हम 40 गुना मान ले रहे हैं क्योंकि एक एवरेज बनाना पड़ेगा ना, कम लोग हैं तो 4 गुना मान ले रहे हैं हम। मैं देखिए 134 पोस्ट था, अब हम 40 गुना मान रहे हैं इसको, ठीक है, एक एवरेज हम बनाते हैं। देखिए क्योंकि देखिए कम पोस्ट है तो ज़्यादा लोगों को उठाएंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो अब इसका देखेंगे, अगर कट ऑफ देखेंगे कितना हो जाएगा, लगभग 6000 लोगों का अप्रॉक्सीमेटली मान लीजिए कि 6000 लोग शॉर्टलिस्ट होते हैं इसमें, तो कट ऑफ कितना जा सकता है, 6000 लोग, ठीक है। इसमें पता है कि आपको बीए वालों ने फॉर्म नहीं भरा, इसमें मैथमेटिक्स से जो किया था या साइंस से जो ग्रेजुएट है या बीकॉम बीएससी किया हुआ वही मतलब कि एग्रीकल्चर से वही इसमें ग्रेजुएट है, तो 6000 में आपका अगर 98.50% से अगर ऊपर है, 98.98% से अगर आपका ऊपर है तो आपकी इसमें शॉर्टलिस्टिंग की प्रबल संभावना है, ठीक है। 98.50% से ऊपर वाले जितने भी छात्र हैं, आप मंडी परिषद की तैयारी अच्छे से सही है, आपका शॉर्टलिस्टिंग इसमें जरूर होगा, ठीक है। तो उसके नीचे वालों को नहीं मालूम, लेकिन 98.50 मतलब 98.5% वाले या उससे ऊपर वाले, ठीक है, आप सेफ हैं, आप मंडी परिषद में शॉर्टलिस्टिंग आपकी पक्का होगी, ठीक है, आप तैयारी अच्छे से करते रहिए। अब इसका परीक्षा कब हो सकता है, देखिए पता है कि पैट 2023 का, अभी देखिए इस वर्ष तो पैट 2022 से जितने भी पेपर हैं, चाहे 5512 जूनियर स्टूडेंट हो, चाहे बीपीओ हो, चाहे ऑडिटर हो, चाहे विभिन्न विभिन्न एग्जाम्स लगे हुए, चाहे स्टेनो का हो, असोलिपिक का हो, बहुत सारे एग्जाम 2022 से पैट से लगे हुए हैं, तो वो सब होंगे। आपका 2023 पैट का मुख्य परीक्षाएं आपकी जनवरी माह से ही शुरू हो पाएंगी, जनवरी माह से शुरू हो पाएंगी, ठीक है। तो जनवरी माह से शुरू हो पाएंगी तो इसी क्रम में होता रहेगा, पहले आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट होगा, फिर एनालिस्ट के पोस्ट दो तीन आए हुए हैं, फूड वाला और मेडिसिन वाला, फिर उसके बाद मंडी परिषद का। तो मान लीजिए इसका आपका परीक्षा मंडी परिषद का मार्च से पहले संभावना नहीं है, मार्च से पहले इसकी कोई संभावना नहीं है मंडी परिषद के सचिव का जो मुख्य परीक्षा होने वाला है, जो कि लोअर बीसीएस की वैकेंसी है। तो ये रहा यूपी परिषद से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं के अपडेट्स के बारे में। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएंगे, आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट में उसको मतलब कमेंट कर देंगे, हम उसका वहां पर उत्तर दे देंगे, ठीक है। तो सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप ज्यादा ज्यादा वीडियो को शेयर करें, ज्यादा ज्यादा लाइक करें, आप ज्यादा ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से जुड़िए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई भी मित्र अगर बीबीओ की तैयारी कर रहा है, जूनियर स्टैंड की तैयारी कर रहा है, तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको एक पेड ग्रुप हमारा चल रहा है, वहां पर आप ज्वाइन हो सकते हैं बहुत ही नॉमिनल फीस पर, ठीक है, तो आपकी अच्छी से तैयारी वहां पर हो जाएगी, ठीक है। मिलते हैं यूपी ट्रिपल से संबंधित अन्य अपडेट्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।